ये और सबसे बड़ा चीज बिना पता कर लिया भाई, एटलीस्ट बताया भी नहीं, बहुत थोड़ा सा बुरा भी लगा, खुशी भी बहुत अच्छा हुआ कि चलो फाइनली। और इतना सडन क्यों हुआ नहीं हुआ वो मुझे भी नहीं पता, अब वो आर्यन ही भैया आपको बताने, आर्यन कर लिया तो। अब माय चैनल राहुल डॉट मम्पी, तो आज कुछ व्लॉग नहीं करने वाला, मतलब कुछ बातें करने वाला हूँ और बहुत ही सीरियस बात करने वाला हूँ। मैं भी सॉल्व हूँ और शायद आप भी सॉल्व हो गए, अपने टाइटल थंबनेल से तो पता कर ही लिया कि किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं। यस गाइस, तो मुझे पता चला कल रात को ना, व्हाट्सएप जैसे खुला आर्यन आर्यन आरजे के व्हाट्सएप मैसेज में आता है मुझे एक फोटो जिसमें कि हम आप लोगों को साइड पे दिखा रहा है, ये वाला फोटो सिंदूर दे रहा है, ये कर रहा है सॉन्ग। भाई अभी तो एक महीने पहले मिले थे, खुद एक महीने भी नहीं, एक महीने पहले मिले, उसके बाद शादी किया। और सबसे बड़ा चीज कि बिना बताए कर लिया भाई, एटलीस्ट बताता तो सही, इतना हम लोगों ने साथ दिया, बट एक बार थोड़ा सिकवा गिला ये कि उसके शादी में नहीं जा पाए और बताया भी नहीं, बहुत थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन खुशी भी बहुत अच्छा हुआ कि चलो फाइनली एक जीवन साथी मिल गया, जो पहले चार पांच लड़कियों के साथ ऐसे घूमता था, जो सच है वो सच है, उसको मानते भी बहुत है इसीलिए बता रहा है, तो उसको एक अच्छी लड़की मिल गई, बहुत प्यारी लड़की मिल गई। और इतना सडन क्यों हुआ नहीं हुआ वो मुझे भी नहीं पता, अब वो आर्यन ही भैया आपको बताएंगे कि कैसे क्या किए हैं। मुझे सिर्फ रात को बोलता है कि भैया कुछ भेजने वाले हैं, मैंने कहा ठीक है देखता हूँ सुबह सुबह, क्या कर लिया इसने, बताता तो एटलीस्ट क्या सीन है क्या नहीं, तो हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए जो लोग कमेंट करोगे कि आप लोग शादी में नहीं गए, भाई हमें बिल्कुल भी नहीं पता, शादी होने के बाद मुझे लोगों से पता चलता है इंस्टाग्राम पे कि भाई आर्यन ने शादी कर लिया है शौक। और मैं सबसे पहले मेरे को शेखर ने दिखाया, शेखर के आर्यन ने कोई फैन वहाँ पे गए हुए थे तो उन्होंने फोटो खींच के भेज दिया शेखर को, और शेखर ने आर्यन से पहले शेखर दिखाया, पता तुमको शेखर को पहले इंस्टाग्राम पे दिखा वो, बट हम लोग सोचे कि प्रैंक रैंक कर रहा है क्या शेखर, सही में हुआ है ये, लेकिन वो सही में ऐसा हो गया। मैं कुछ क्लिप भी दे रहा हूँ आप लोग देखो, थोड़ा सा आपने उसके आईडी में तो देखा ही है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने लोग हैं उसको अच्छे गुड विशेस दो, जो हमारे रियल फैन है गुड विशेस दो। कुछ क्लिप है आर्यन के आप लोग देख सकते हो, देख के बताओ कि कितना अच्छा जोड़ी है, कैसा क्या जोड़ी है। तो आप लोगों ने देख ही लिया, बहुत ही अच्छा लगा, सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शॉकिंग था बहुत ज़्यादा।
और पता नहीं अब रिसेप्शन में बुलाया गया कैसे बुलाया है हम बता रहे हैं रिसेप्शन में बुलाया रिसेप्शन मतलब हम तो बहुत सोच के रखे थे कि अभी आर्यन है शिखर है उसके पहले मतलब हल्दी होगा मेहंदी होगा तो इतना जल्दी ठीक है जल्दी कर लेता हम लोग को शौक था कर लेता थोड़ा तीन चार टाइम तो देना तीन चार दिन हम लोग भी थोड़ा इंजॉय करते उसके शादी में जाके बहुत शौक था पर क्या बताए कर लिया इतना जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी था उसको ठीक है आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करना मतलब उन लोगों को विश करना अच्छा अच्छा हर साल बहुत बड़ा करके मेरा घर में लक्ष्मी पूजा होगा हो क्या क्या जिस दिन लक्ष्मी पूजा है ना उसी दिन उसके उसका रिसेप्शन है और हम लोग अभी कंफर्म नहीं अगर है कि नहीं वो चार दिन बाद कुछ कंफर्मेशन है अगर उस दिन नहीं होगा तो ठीक है क्या हुआ काय काय भाग रहा है सर इधर आइए ना आइए ना आइए ना हम कैमरा के पीछे ठीक लगते हैं काय इधर आइए ना थोड़ा इधर आइए सेकर इधर भी वीडियो अच्छा आ रहा है इधर आओ तुम इधर भी बहुत अच्छा आ रहा है वो आपका जब रूम आएगा तब मचाएगा आइए ना इधर मत देखो अरे हम कुछ बोलने बोलते बोलते वो डिस्टर्ब कर दिया प्लीज आप जाइए वहां डिस्टर्ब नहीं किए मम्मी इसके बारे में कुछ बोले अब कुछ बोलते अगर हम बीच में कुछ भी बोलेंगे यार कैमरे हम टोके नहीं है वो उसको दिखा रहे थे कि उसका नंबर क्यों आता तुम्हें तो सरमाया क्यों कहीं नहीं समझ में आ अभी तक नहीं समझे थे आर्यन कर लिया तो अब नहीं समझ में नहीं आता तो इसको आप तुमको समझ में आया अब लोग कमेंट करे ये कब करेगा देखिएगा ये भी ऐसे करके कर लिया ना ना बैठो लेकर ऊपर हो जाएगा तो अब मेरा इतना सपना सब कुछ छूट गया भैया प्लीज आप क्या आप बैठे ना उधर हम मैं बैठी हूं ठीक है बोलो ना तो ये है तो वो मतलब उनका मम्मी चाची से बात हुआ तो वो लोग बोले थे रिसेप्शन में आना ही है हमको भी बहुत शौक है उनका उसका रिसेप्शन में जाने इतना दिन हम लोग एक साथ रहे बहुत अच्छा जो भी था बहुत अच्छा था तो बहुत मन है पर हुआ क्या ना परसों हम लोग के घर में लक्ष्मी पूजा है बहुत बड़ा अगर परसों तरसों होगा तो नहीं जा पाएंगे परसों तरसों होगा तो नहीं जा पाएंगे अगर और कुछ दिन बाद होगा और कुछ दिन भी नहीं मतलब पर दो दिन बाद और दो मतलब लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन तो उस तीसरे दिन हम लोग विसर्जन करेंगे लक्ष्मी माँ को गंगे में जाके उसके बाद अगर हो पाएगा मतलब और चार पांच दिन बाद अगर उसका रिसेप्शन का डेट आएगा तो हम लोग जा पाएंगे और नहीं तो उसके पहले हम लोग जा ही नहीं पाएंगे तो इसलिए हम बहुत अपसेट है ना उसके शादी में जा पाए ना उसका रिसेप्शन में इतना जल्दी क्या अब वो रुक भी तो नहीं रहा हम लोग के लिए हाँ वो रुक भी लक्ष्मी पूजा की अगर वो शेखर तुमको क्या बोला है वो हमको बोला 28 को रिसेप्शन है भैया पॉसिबल ही नहीं 28 का शूट भी है हमारा 28 का शूट भी है हमारा क्या शूट वो कर रहे हैं हम लोग ना बैटिंग है मतलब ओ अच्छा 28 को शूट भी है हमारा तो 28 को तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे अब हम लोग के लिए वो लोग रुकेगा भी नहीं और हम लोग चाहते भी नहीं चाहते जो भी हो रहा है अच्छे से हो जाए हम लोग बहुत अच्छा हम लोग जल्दी जल्दी कहीं घूमने जाए हम तो बहुत इतना एक्साइटेड फोन करके बोला कहाँ जाएगा घूमने हमको बताओ मतलब तो हनीमून में भी चल रहे हैं नहीं 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 एकदम उन दोनों को एकदम फ्री छोड़ना है वो लोग घूमे बहुत अच्छा से एंजॉय करे बस एक ही दुख है कि नहीं जा पाए शादी मम्मी शादी मिस करती है इसको नया नया साड़ी शॉपिंग करना मिस हो गया असल बात तो ये है ना कि शॉपिंग मिस हो गया क्या पहनेंगे बाबू हल्दी मेहंदी और इसमें तो मेरा तो पॉकेट बच गया ना बट ठीक है बहुत अच्छा हुआ शादी कर लिया अब जो कर लिया सो कर लिया आप लोग ब्लेसिंग दो अच्छे से जाके और प्यार दो और इस सर को भी थोड़ा आशीर्वाद दो कि जल्दी से शादी कर ले 50 साल का बुढ़ा हो गया है नहीं गाइस बहुत ज्यादा हाँ गाइस एज है 55 फिर भी गाइस यस लेकिन लगता है जवान 27 का हो चुका है हमारे तो कम से कम ये बहुत कम बोलते 27 30 साल का बुड्ढा है ये 30 साल वो जब तक शादी निकालेंगे तब तक इसका असली एज हम नहीं बोलेंगे नहीं 27 साल का हो गया मैं 28 का ये 27 का नहीं है 29 साल का 28 का तब मैं 29 तुम 28 सही तो बोले बहुत तेज बन रहा है सब ये 30 और ये 28 मेरा अब जो प्यार करते हो ना मेरा बात दूसरा क्रम ना बहुत जगह सच बोल देते हैं हम सच प्रूव है मेरे पास मेरे मम्मी के शादी में भाई साहब गोदी में थे देखो आपको देख के क्या लगता है मैं 30 साल के लगता हूँ पागल है लोग मेरे को बुढ़ा बना दे रहे अभी से ठीक है लेकिन इनका 30 साल है और उसका
ये इसको पिंपल्स वगैरह छोड़ के मैं अभी भी यंग हूँ, जवान हूँ। है बाबू, कोई नहीं बोलता बुढ़ा, 30 साल का लोग कभी बुढ़ा नहीं होते। और एक बात, मतलब हम, मेरा, हम दोनों का जो है ना, हम बहुत एजेड दिखते हैं, जो कि हमको, हम मानते हैं ये चीज मेरा जो शरीर से, और ये बहुत यंग दिखते हैं। मतलब ये इनका पता है, इनको जो देखते हैं ना अभी भी, बहुत लोग इनका उम्र, अगर हम बोलते ना कि गेस करो कितने के होंगे, तो हमको बोलते 26-27 के होंगे। मेरे सामने खुद हुआ एक्सपीरियंस है ना, बहुत लोग बोला है, तो इनका एज पता नहीं चलता। हम बड़ा, हाँ, और मेरा, हाँ, शेखर का भी ये चीज होता है, तो उसको एज बड़ा लगता है, मेरा भी एज से हम बड़े दिखते हैं, लेकिन इनको नहीं लगता। तो आप तो हैप्पी होना चाहिए आपको, है ना? ओके, हाँ, ओके। और क्या, हम बहुत अपसेट है, एक बात से ही बात से जा नहीं पाएंगे शायद। चलो कोई बात नहीं, वापस आएगा तो हम लोग उसका बहुत, और चले शेखर की शादी के लिए भी आप लोग कमेंट करिए। तो गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यही चीज बताना था, कांग्रेचुलेशन आर्यन, और आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली को, फाइनली आप शादी कर लिए, क्यों किए मुझे बता दीजिएगा। क्यों किए और आप लोग को एक चीज बताना था कि आप लोग ना कमेंट्स करो, उसके भी आईडी में जाके आप लोग ऐसे कमेंट ना करो, वो लोग भी जल्दी बाद थोड़ा देखो, हम लोग एक्चुअली, मैं भी गांव से, आर्यन भी गांव से, तो कुछ लोग बहुत खराब कमेंट करते हैं ऐसा वैसा। हाँ। तो अभी स्टार्टिंग है उनका, प्यारा कमेंट करो। हाँ, हम लोग तो कमेंट झेल लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए वो लोग इतना जल्दी कर ले, लेकिन जो भी हुआ सब कुछ अच्छे के लिए होता है, आगे जाके भी अच्छे होता है ना। तो आप लोग अच्छा ही कमेंट करो। बाय बाय।